पावरफुल रिपोर्ट के बारे में। बहुत ही शानदार ये रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड अच्छी बात ये है दोस्तों कि रिपोर्ट आने से पहले ही जिस सेक्टर की, मतलब यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं इतनी तारीफ की जा रही है कि ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है भविष्य में, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग पहले ही 1.5 से 2 साल पहले इस चीज़ के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से जान रहे थे। सो बहुत ही कमाल की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और कौन से सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों, तो फाइनली रिपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, यस, हमारे भारत का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग को देश से विदेश से अच्छा खासा रिपोर्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले समय में भी इस रिपोर्टिंग के चलते कितना सॉलिड इनफ्लो डिफेंस सेक्टर में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे इस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातें जानने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो एंटायर डिफेंस सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसका अगर हम लोग एवरेज रिटर्न्स निकाल कर देखें दोस्तों, तो 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स बन रहे हैं। पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें से कोई स्टॉक ने एकदम ही खतरनाक रिटर्न्स दिए होंगे 400-500% के, कोई डिफेंस का स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जिसने कुछ भी ना दो, तो एवरेज हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, बट इंटायर सेक्टर गिव्स मोर देन 50% के रिटर्न। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अभी हर कोई अच्छा पॉजिटिव हम लोग को रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, इसके पीछे मतलब रीज़न क्या है, तो दोस्तों वो रीज़न है मेक इन इंडिया का रीज़न। ठीक है, मेक इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो सरकार ने ये जो बढ़ावा दिया है कि हमारे देश के ही कंपनीज़ को हम लोग सक्षम बनाएंगे, उन्हीं के ओर से हम लोग सरकार क्या करेगी, जो प्रोडक्ट्स कंपनियां बनाएंगी, जो चीज़ें बनाएंगी, उन्हीं से हम लोग ये चीज़ें खरीदेंगे, तो पैसा भी भारत के अंदर ही रहेगा। एंड प्लस उसी के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट भी थी डिफेंस से रिलेटेड, वो भी भारत की पूरी यहाँ पे हो जाएगी। सो ये जो एक फैसला था सरकार का, वो लिटरली गेम चेंजर साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि डिफेंस के जो ऑर्डर बुक्स है दोस्तों कंपनियों के, वो आसमान छूते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि कंपनीज़ को लिटरली ऑर्डर्स मिलते ही नहीं थे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ अगर मान लीजिए 100 का बजट निकलता था, तो पता ही था कि 70% जो बजट है वो बाहर से ही आएगा, मतलब इंपोर्ट किया जाता था सामान, केवल 30% ही हमारे देश स्वदेशी कंपनीज़ को मिलता था। अभी ये पूरा खेल पलट गया है, नेगेटिव लिस्ट निकल चुकी है, एंड जितना भी हो सके भारत में ही जो कंपनियां इससे रिलेटेड काम कर रही है उनको ही लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, राइट। एंड इसलिए आप देख सकते हैं क्यों डिफेंस वाले स्टॉक इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यही देखने को मिल रहा है। इनके ऑर्डर बुक लिटरली मतलब बताया जा रहा है आने वाले समय में मतलब 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हम लोग को ये बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इतना पावरफुल परफॉर्मेंस होने वाला है दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अल्टीमेटली ऑर्डर मिलेगा तो क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा आपका, ऑर्डर बुक बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ता है मतलब क्या कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी को 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, तो ये नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जाके 5,000 करोड़ अपने रेवेन्यू में लिखेगा, नहीं, वो जैसे जैसे ऑर्डर डिलीवर करता जाएगा धीमे धीमे करके उनको पार्ट पेमेंट में वो चीज़ें मिलती रहती है, और वैसे क्या हो जाता है उनका रेवेन्यू बढ़ता है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, फिर EPS बढ़ता है, एंड देन शेयर प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ों का सीक्वेंस अभी हम लोग को मैच होते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे खतरनाक बात कि दोस्तों अभी म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे हम लोग को डिफेंस स्टॉक्स को पिक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा डिफेंस स्टॉक्स को पिक नहीं करते थे, और बिल्कुल सही वजह भी थी। देखिए पहले सरकार डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देता ही नहीं था, ठीक है, इसलिए मतलब किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं, एंड ऊपर से सरकारी कंपनीज तो क्यों जाने का। बट बाद में जैसे सरकार ने चीज़ें बदलना स्टार्ट कर दी, तब पता चल गया हम लोग को, मैं बार बार आप लोगों को बता भी रहा था कि रेलवे सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर ये दो ऐसे सेक्टर है सरकारी होने के बावजूद हमें कमाल के रिटर्न्स देंगे। हाँ, रिस्क तो रहेगा ही कि सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकती है करके, बट अल्टीमेटली अगर देखा गया आप नेट रिटर्न्स की बात करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे। एंड दोस्तों अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो HDFC ने भी अपना खुद का डिफेंस फंड से रिलेटेड मतलब म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है या फिर स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज से रिलेटेड भी उन्होंने फंड्स लॉन्च किया। मतलब क्या है कि पहले कैसे होता था कि टेक वाली कंपनियाँ उससे रिलेटेड फंड्स होते थे, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड थीम वाले फंड्स हुआ करते थे, तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके डिमांड्स आते हैं ना, कि मान लीजिए अगर मेरा SMKC का कोई फंड होता तो पूछते, अरे SMKC आपके पास डिफेंस से रिलेटेड कोई फंड है कि नहीं, तो
डिमांड आएगी तो आप लोगों को सप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका बिजनेस बनेगा। तो आप देख सकते हैं HDFC ने भी क्या कर दिया, डिफेंस फंड लॉन्च किया। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, डिफेंस के अच्छे खासे चुने हुए स्टॉक देखने को मिलेंगे। सो जो लोग डिफेंस सेक्टर के ऊपर भरोसा दिखा रहे उनका भी इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू और भी मतलब इंक्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस चीज़ के चलते शेयर्स तो आप लोगों को पता ही है, जो अच्छे शेयर्स रहते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें से HAL आप देख सकते। देखिए ये चीज़ें सीखने वाली बात है दोस्तों, कि जब तेज़ी आती है ना, तेज़ी आपको क्रेजी मतलब अंदाजा ही नहीं लगेगा कि इतना पैसा बनते हुए देखने को मिलता है, फिर अब समझ भी नहीं आता कि कहाँ पे एंटर करे करके। तो इसलिए कहता हूँ कि बिजनेस समझने की मतलब कला होनी चाहिए, वरना वो 10-20 रुपए ऊपर नीचे खरीदने के लिए जाओगे और फिर बड़ा हाथ से मतलब बोलते हैं ना मौका छूट जाएगा, और यही चीज़ें होती है। आज आप देख सकते हो कि ये स्टॉक इतना डेली बेसिस के हिसाब से भाग रहे हैं, फिर कहाँ पे एंट्री करे ये समझ भी नहीं आता। बताने वाले आपको किधर भी बता देंगे, इधर एंटर करो उधर एंटर करो, नीचे गया तो बोलेंगे कि बेचना चाहिए था करके, फंसोगे आप। तो मेजर चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि बिजनेस समझ में आना चाहिए एंड स्टेज वन पे चीज़ें पकड़नी आनी चाहिए। सो आज आप देख सकते हैं स्टेज वन में हम लोगों ने इन चीज़ों को पकड़ा, अभी ये राइड कर रहे हैं उतना मज़े कर रहे हैं, तो हमें क्या है भागते रहने दो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड HAL की भी बात करें तो आप देख सकते हो पहले FISDS ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है, और जैसे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी क्योंकि 75 वाला रूल कंप्लाई करना है, उसके नज़दीक आना है, तो पूरा का पूरा देखिए DIS ने मैक्सिमम माल यहाँ पे उठाया था। एंड आज आप देख सकते हो FISB 5% 6% 7% 9% लगातार यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड DIS तो पहले से ही 13-15% के आसपास थे ही थे। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि DIS थोड़ा माल बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको बार बार पे प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। सो HAL तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड मोनोपोली वाली कंपनी है। सिर्फ सरकार ने कुछ यहाँ पे मस्ती नहीं करनी चाहिए, ये स्टॉक भागते रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच बीच में सर्कल होते रहेंगे, मतलब क्या है कि प्लस माइनस होते रहेंगे, कुछ ना कुछ रीज़न बाजार को मिल जाएंगे, बट ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। देन माजगांव डॉक की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो एक बार तेज़ी आ गई ना, फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते, 5 ही दिन में 24% बन जाते, ये तो बोलने के लिए 5 दिन है, 2 दिन के ही रिटर्न है। देन माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी आप देख सकते हो कि पहले FISDS देखिए ना के बराबर पॉइंट में रहते थे, अभी अगर आप देखोगे तो 3-3% के आसपास, नो डाउट ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो माजगांव डॉक में आज नहीं तो कल हम लोग को OFS देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन डेटा पैटर्न्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप डेटा पैटर्न के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, कोई गड़बड़ क्या? अरे ऐसा थोड़ी है, कितने सारे शेयर्स बाजार में अवेलेबल है, हर एक के ऊपर थोड़ी ना वीडियो बनाते रह सकते हम लोग। एंड नहीं बना रहा हूँ इसका अर्थ ये थोड़ी कि खराब हो गया करके। सो जो भी डिफेंस से रिलेटेड अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हो, मेरा काम आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है कि ABCD इतने शेयर है करके, मेरा काम है आपको सही और गलत की समझ देना कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप सीखने के लिए आते हो ना, अगर आपको डायरेक्ट ही सिर्फ रिटर्न से ही मतलब है, म्यूचुअल फंड है आप लोगों के लिए, आराम से म्यूचुअल फंड में रखो पैसा, टेंशन फ्री रिटर्न्स बना कर दे देंगे, बट अगर खुद से सीखना है तो फिर एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो वो मैं सिखाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। सो डेटा पैटर्न भी आप देख सकते हो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये डिफेंस वाले है ना, ये मेजर चीज़ समझो, जो थीम होती है ना दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे FISDS तो ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये पूछ रहे सर ये 45 का 42 हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है 45 का 42 प्रमोटर ने होगा, बट खरीदने वाले कौन है देखिए सामने FISDS, एंड प्लस पब्लिक का भी हिस्सा कम हुआ है, वो भी इंस्टीट्यूशंस ने उठाया माल, तो ये भी चीज़ें आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो रैंडमली किसी भी स्टॉक में घुस मत जाना, बट अगर आपको वाकई में लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी तो फिर आप जा सकते हैं। ZenTech जैसी कंपनी आप देख सकते हो, राइट, बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोगों ने इनको देखा था। सो थीम समझ में आना चाहिए दोस्तों कि बाजार में चल क्या रहा है, ये सबसे की पॉइंट होता है कि क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका कमाल का होना चाहिए कि चल क्या रहा है आपको फ्यूचर, जो मैं आपको एक कोट बताता हूँ बार बार कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, आपका विजुअलाइजेशन होना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 2025 में क्या चीज़ें चलने वाली है, 2030 में क्या चीज़ें चलने वाली है, 35 में क्या चीज़ें चलेगी, क्या आउटडेटेड हो जाएगी, उसको सोचकर आपने आज निवेश करके रखना होता है, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। बाद में 2025 में सब कुछ भागने के बाद अगर आप आओगे तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सबसे मेन की पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट का। देन अगर हम लोग बात करेंगे BDL, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनी है ना रडार पे रखो, राइट। अभी होता क्या है कि इनको ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो इनका इंतज़ार करते हैं, दैट्स इट। अभी भारत डायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें, मिसाइल बनाती है कंपनी, बस सरकार के ऑर्डर का इंतजार करें, एक ऑर्डर आ जाएगा तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे भी स्टॉक अगर आप देखोगे भागी तो रहे सभी डिफेंस वाले, देखिए थीम देखिए, इसके पहले इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलता था, ठीक ठाक ही था, ये देखिए ऐसे फ्लैट चलता था। अभी जैसे आत्मनिर्भर भारत का नारा लग गया, आपको थीम समझ में आ गई ना, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। देन BEL की बात करें, ये भी डिफेंस रिलेटेड काम करता है, ये सभी आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए। अभी अगेन बच्चों वाली चीज़ें नहीं कि 100 रुपये का है तो यही ट्राई करूंगा मैं, गलत चीज़ें, आपको बिजनेस के हिसाब से जाना है। अभी HAL में बिजनेस के हिसाब से मैं आपको क्यों बार बार बताता हूँ, क्योंकि HAL जैसी दूसरी कंपनी है ही नहीं, लाकर दिखाओ मुझे दूसरी कंपनी कोई है क्या,
वही एक कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्हीं को ऑफिस में कॉल जाएगा कि रिपेयरिंग करते दो, ओवरहॉलिंग के चार्जेस वही बार बार लगाता रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं जाना है कि ये कंपनी अच्छी है 100 रुपये की ट्राई कर लेता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। देन पारस डिफेंस जैसी कंपनियाँ, इसका तो IPO धमाकेदार था, उसके बाद तो हम लोग को गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिली। अभी जाके हम कह सकते हैं कि ऑर्डर, बड़े बड़े ऑर्डर बुक आएंगे अभी कि सरकार पास करेगी ना डिफेंस से रिलेटेड 10,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन करेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर इनको मिल जाता है तो ये स्टॉक्स भागेंगे ही भागेंगे। एमटार के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, ये तो एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा फोकस करता है बट डिफेंस में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन सर थोड़ा सा और कोई रिस्की कंपनी है स्टडी करने के लिए तो बता दो। तो दोस्तों एक कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव, इसको भी चाहो तो स्टडी कर लेना, अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। ये रेडियो से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज होती है, माइक्रोवेव सिस्टम जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये कंपनी क्या करती है, मतलब बिजनेस यहाँ पे करती है, डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये सब काम करती है जो कि डिफेंस स्पेस इसमें इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो डेफिनेटली ये भी कंपनी जो कि एक बहुत ही छोटी कंपनी, माइक्रो कैप आप यहाँ पे स्मॉल कैप माइक्रो कैप बोल सकते हो, सो ज़रूर एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनी भी आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं होते मेरे साइड से, जितना हो सके मतलब चीरफाड़ करके क्या करना होता है, आपने एनालिसिस करना होता है कि बैलेंस शीट कैसी है, PNL कैसा है, क्लाइंट्स कौन है, एनुअल रिपोर्ट क्या कहता है, सारी चीज़ें। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है कंपनी, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ठीक है कंपनी बट मुझे डर लगता है, देन SQS है, छोटा सा क्वांटिटी खरीद लेने का, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है। देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे फिर, बट ये खुद से लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस शेयर का नाम देख लिया, मन कह रहा है कि हो सकता है, ट्राई करके देख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। वो ट्राई करने के हिसाब से अगर आपका पैसा बन भी गया ना, कोई लर्निंग लेसन आपको मिलेगा नहीं। तो ये सारी मेहनत वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ट्राई करके मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तब धीमे धीमे करके आपको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड धीमे धीमे आपके क्या हो जाएगी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो आपको आगे जाते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो मेजर चीज़ें थी वो सारी मैंने कवर कर ली है। जैसे मैंने कहा डिफेंस सेक्टर में और